नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी भाई चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं छापर में, 8:30 बजे छापर के बस स्टैंड की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे सुनसान हो जाता है छापर का यह बस स्टैंड, देखिए। कुछ एक हमारे छापर के जो समाज सेवी है, यह राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी पारिक है, ये दिलीप जी यहाँ बैठे हैं और ये अलाव तप रहे हैं। ठंड का आलम इतना खतरनाक है कि पूछो मत। मतलब वो मारवाड़ी में कहते हैं ना कि दूजनी छूट रही है, वैसी हालत यहाँ छापर की हो रही है। अरविंद जी, यहाँ की सर्दी का आप कुछ कहोगे हमारे मित्रों को? बंटी भाई, आपको बता दूं कि चुरू जिले का माइनस में टेम्परेचर है। ताल छापर सपाट घास का मैदान यहाँ नज़दीक है। 700-819 हेक्टेयर में समतल भूमि है, जो विश्व स्तर पर अपना स्थान रखता है, इसलिए सर्दी बहुत भारी है ताल छापर की। इस बार बारिश हुई थी, कोहरा घना आया, शीतलहर का प्रकोप अब भी जारी है। फरवरी महीना आधा चल रहा है और यह सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, ये तो अच्छा शुभ संकेत है, कोहरा अधिक हुआ है, बारिश हुई है, तो ये जो सिंचित जो किसान है उनके लिए ये सर्दी वरदान साबित होगी निश्चित तौर। एक अरविंद जी, आज आपने अपने चैनल पे आपने एक वीडियो लगाया था, दवाई फ्री और ऑपरेशन फ्री और ये सब, या हमारे मित्रों को कुछ बताना चाहेंगे उस वीडियो के बारे में? 10 फरवरी 2019 को नगर पालिका परिसर में राज जयपुर ENT कोई हॉस्पिटल है, उसका कोई कैंप है जिसमें जयपुर के डॉक्टर बैठेंगे और ये छापर के आसपास के लोग जो भी है, जो कान गला और नाक ये तीन सब्जेक्ट से जुड़े हुए डॉक्टर बैठेंगे और इलाज करेंगे वहाँ पर रोगियों के। निःशुल्क दवा है वहाँ, निःशुल्क जाँच है और दूरबीन से वो जाँच वाँच करेंगे। और ऑपरेशन की अगर आप उनका भामाशाह या खाद्य सुरक्षा में उनका अगर नाम है, भामाशाह कार्ड बना हुआ होगा और अगर खाद्य सुरक्षा की सूची में उनका नाम है, तो उनके लिए ऑपरेशन की सुविधा भी निःशुल्क रहेगी। एक अरविंद जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में आप, मतलब आपकी तैयारियां कैसे चल रही है? बिल्कुल अच्छी चल रही है बंटी भाई। आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है यूट्यूब पे। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, वो मेरे दर्शकों का, कस्बे वासियों का प्यार है। आपके कमेंट भी काफी आ रहे हैं, धन्यवाद। आप बंटी भाई पे चैनल पे नेक्स्ट अपना इंटरव्यू कब दे रहे हैं? बहुत जल्दी, आप जब बुलाएंगे, जब समय देंगे तभी। काफी मित्रों के आपके कॉमेंट आ चुके हैं। बिल्कुल आएंगे बंटी भाई, बिल्कुल आएंगे। और उस कमेंट में अगर कोई किसी भी प्रकार का सवाल होगा ना, तो उसका अपने उस साक्षात्कार में जवाब भी देंगे। और हमारे चैनल पे इनका भी आप परिचय दोगे? ये अपने दोस्त है, दिलीप जी नाम से है, जोधपुर, ये जो आप देख रहे हैं राहुल खेतेश्वर, जोधपुर स्वीट्स होम इनके मालिक है ये, और जोधपुर घराने के राजपुरोहित भी है, राजपुरोहित परिवार से है। तिवरी इनका गाँव है, जोधपुर के पास में है। बड़े सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इनकी मिठाइयाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध है बंटी भाई, आसपास के इलाके के लोग शादी विवाह में इनको ऑर्डर वगैरह, बड़े बड़े ऑर्डर भी देते हैं। इनके यहाँ से ज़्यादा गोदाम से माल निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। हम हैं बस स्टैंड के ऊपर राजस्थान पत्रिका के कार्यालय में, यहाँ पे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी पारिक यहाँ पे बैठे हैं और 8:30 बजे इतनी ठंड के अंदर भी अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं। और इनका अपना चैनल है गुरु कृपा नाम से, जो मोनेटाइजेशन हो गया और काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में चल रहा है वो। ये छापर का बस स्टैंड 8:30 बजे का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। सर्दी का अगर शौक हो तो भैया ताल छापर आ जाओ, मज़ा आ जाएगा। बड़ी शिमला बना हुआ है, हालत बहुत ख़राब है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।